किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए किसान कांग्रेस कमेटी की ओर से नांदेड़ जिले के मुदखेड़ में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया बैठक की अध्यक्षता किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव झा ने की जबकि किसान कांग्रेस के राज्य और स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम का आयोजन मदखेड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार इंजीनियर दामिनी ढगे द्वारा किया गया था मधखेड़ में आयोजित इस बैठक में किसानों की समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकार की विफल नीतियों की आलोचना की गई किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव झा ने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार बनती है तो लोकसभा चुनावों के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा मैं आपको बताऊं किसान कांग्रेस के लक्ष्य के हमेशा परिधि के करीब रहा है और खास करके पिछले दस साल में जो किसानों के साथ इस देश में दुर्दशा हुई है और डबल इंजन सरकार के कारण हाथ हुई है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती आप सब जानते हैं सात सौ किसानों को शहीद कर दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने दो मिनट का मौन रखना श्रद्धांजलि देना उचित नहीं समझा चुनाव आता है तो धोखेबाजी की बात शुरू कर देती कांग्रेस पार्टी लोकसभा के पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे उनकी कर्ज माफी करेंगे दुर्भाग्य से हम सरकार में नहीं आ पाए लेकिन राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस का हर कार्यकर्ता वो अपने वादे पर कायम हैं जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम किसानों को उनका अधिकार वापस दिलाएंगे हम उनकी लड़ाई लड़ाएंगे और मैं यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा किसान भारतीय किसान किसान कांग्रेस का किसान का जो संगठन है पूरे राज्य में मजबूती से खड़ा है महाराष्ट्र में हम कल हम नासिक थे आज हम हैं आपने देखा बड़ा कार्यक्रम था अच्छा आयोजन था किसान खुद बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर आए हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रणव झा ने महाराष्ट्र में खराब हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी कड़ी आलोचना की विशेष रूप से पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में राज्य सरकार को घेरा उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपराधियों का समर्थन कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं मैंने कहा कि बदलापुर की घटना हो पुणे की घटना हो मंद्रा की घटना हो पूर्व माजी मंत्री को सरेआम गोली मार दिया जाता है महिला के साथ जो है वो सत्ता दल का आदमी करीबी आदमी बलात्कार करता है बंद करके और उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता तो सभी जानते हैं ये बात कि मोदी जी का जो शासन है वही राज्यों का शासन डबल इंजन शासन वही है कि अपने लोगों के खिलाफ वो गुनागार हो तभी कोई कार्रवाई मत करो कार्रवाई करनी है तो विपक्ष के तरफ करो उन, उन, उन उनके ऊपर झूठा दो, दो, दो रो, रो, रोपण कर दो, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में उलझा दो उसको कि बेचारा परेशान हो जाए वो उनकी लड़ाई नहीं उनकी जनता को उनकी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी विपक्ष उसमें उसका साथ दे कार्यक्रम की संयोजक और मदखेड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार इंजीनियर दामिनी ढगे ने अपनी भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चौहान की आलोचना की उन्होंने कहा कि अशोक चौहान ने नांदेड़ में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जिससे यह साबित होता है कि उन्हें किसानों की समस्याओं से कोई हमदर्दी नहीं है जे लोकप्रतिनिधी होते ते माजी मुख्यमंत्री देखील होते परंतु आपल्या भागामध्ये शेतकऱ्यांविषयी कोणालाही शेतकऱ्यांविषयी त्यांनी कोणतेही धोरण स्वीकारले नाहीत आज आपण बघतोय बोकोरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे तो देखील त्यांनी पाण्याचा प्रश्न सोडवलेला नाही आहे शेतीची यंत्रे असतील अवजारे असतील तर त्यामध्ये आज आपण बघतोय जर ट्रॅक्टरवर कर्ज लावलं तर तेरा टक्के ट्रॅक्टरवर व्याजदर व्याजदर घेत आहेत तर मला असे वाटते की आम्ही

उनकी समस्याओं को सुना गया किसानों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक संगठित आंदोलन चलाने का भी आश्वासन दिया गया